हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 5th ऑफ सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने या किस अधिनियम के द्वारा भूजल प्रबंधन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रम को तैयार करने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की स्थापना की गई है? आपके ऑप्शंस हैं, इंडियन इजमेंट एक्ट 1882, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपको यहाँ पर बताना है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की जो स्थापना है वो किस एक्ट के तहत की गई है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसको स्टैब्लिश किया गया है बाय एक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986। आप यहाँ देख सकते हैं, द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फाइनली इसको एस्टैब्लिश किया गया था जनवरी 1997 में। सो दिस अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। एंड द अथॉरिटी ऑल्सो मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, स्पेशली इन एरियाज वेयर इट इज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकली पॉल्यूटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री डिड इंडिया साइन द वर्किंग प्लान ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर 2025 एंड 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने किस देश के साथ 2025-2026 के लिए आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं, नेपाल, घाना, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेकर के जो सहयोग हस्ताक्षर हुआ है वो हुआ है इंडिया और रशिया के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑन 28th अगस्त 2024 द सेकेंड मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट वॉज हेल्ड इन मॉस्को, द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। सो ड्यूरिंग द मीटिंग इंडिया एंड रशिया साइंड द वर्किंग प्लान ऑफ ज्वाइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, और इसका जो टेन्योर होगा वो होगा 2025 से 2026 तक। सो इंडिया विल होस्ट द थर्ड मीटिंग ऑफ द इंडो रशियन ज्वाइंट कमीशन ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट इन 2026। और अभी हाल ही में जो आयोजित हुई है वो इस कमीशन की सेकेंड मीटिंग रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लॉन्च्ड द रीसेट प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे। सो व्हाट डज द लेटर ई रिप्रेजेंट इन द एक्रोनिम रीसेट? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रीसेट कार्यक्रम शुरू किया है। आपको बताना है कि इस रीसेट कार्यक्रम में जो ई अल्फाबेट है वो क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं, इनरिचमेंट, इंपावरमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप या फिर एजुकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर ई का जो फुल फॉर्म है वो है इम्पावरमेंट। आप यहां देख सकते हैं,
यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लॉन्च्ड द रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे इन न्यू दिल्ली। और आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को। सो दिस इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट रिटायर्ड एथलीट्स बाय इक्विपिंग देम विद द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर करियर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। ग्वालियर मध्य प्रदेश बेस्ड लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन विल लीड द पायलट फेज ऑफ द रीसेट प्रोग्राम विच ऑफर्स हाइब्रिड लर्निंग विद सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स ऑन ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स। सो इट एम्स टू एम्पावर एथलीट्स एज 20 to 50 हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल। तो आप ध्यान रखेंगे, जो रीसेट प्रोग्राम है उसका फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल साइन अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार, त्रिपुरा की सरकार और निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिनिधि समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात मानी है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, त्रिपुरा मुक्ति संघर्ष समिति। ये तीन संगठन के नाम है, आपको बताना है भारत सरकार और त्रिपुरा की सरकार के साथ इन संगठनों में से ऐसे कौन से हैं जो हस्ताक्षर करेंगे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसमें इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ NLFT एंड ATTF विल साइन अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट एंड दिस विल बी साइंड इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह इन न्यू दिल्ली। सो 12 इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड आउट ऑफ दीज 3 आर रिलेटेड टू त्रिपुरा। सो ड्यू टू साइनिंग ऑफ अग्रीमेंट अबाउट 10,000 पीपल हैव गिवन अप आर्म्स एंड ज्वाइंट मिनिस्ट्री। NLFT और ATTF की बात करें तो ये दोनों ही आर्म्ड ग्रुप्स हैं त्रिपुरा राज्य के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली वेयर वॉज द 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च्ड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहां पर शुरू किया गया। आपके ऑप्शंस हैं जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, पटना बिहार या फिर भोपाल मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसको शुरू किया गया है गांधीनगर गुजरात से। आप यहां देख सकते हैं, द 7th राष्ट्रीय पोषण माह बिगिन फ्रॉम 1 सितंबर एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात, फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड वेलबींग। एंड यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल एंड अदर ऑफिशियल्स अटेंडेड द इवेंट। सो द डे स्टार्टेड विद अ नेशन वाइड ट्री प्लांटिंग ड्राइव कॉल्ड एक पेड़ माँ के नाम, प्रमोटिंग न्यूट्रिशन एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एंड यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी आउटलाइंड पोषण 2.0 पिलर्स, गुड गवर्नेंस, कन्वर्जेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सो न्यूट्री बास्केट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मदर्स एंड स्कीम्स लाइक पहाली दीकरी योजना वर हाईलाइटेड। सो द कैंपेन विल फोकस ऑन इशूज लाइक एनेमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, सपोर्टिंग द विजन ऑफ अ सुपोषित भारत। तो आप ध्यान रखेंगे, जो 7th राष्ट्रीय पोषण माह है वो शुरू किया गया है गांधीनगर गुजरात से।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड वल्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस संगठन ने वल्चर काउंट 2024 जो पहल है उसको शुरू किया है. आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया या फिर ग्रीन पीस. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. इसको शुरू किया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने. आप यहां देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया लॉन्च द वल्चर काउंट 2024 प्रोजेक्ट फ्रॉम सितंबर 7 टू अक्टूबर 6 2024 एंड दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद द इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे. सो दिस प्रोजेक्ट एम्स टू काउंट एंड एसेस द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया एंड इट फोकसेस पर्टिकुलरली ऑन क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर स्पीसीज एंड द प्रोजेक्ट ऑल्सो सीक्स टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वल्चर्स इन इकोसिस्टम. सो WWF इंडिया की बात करें तो इसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट इन 1969. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एक्सरसाइज वरुणा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है. आपके ऑप्शन हैं रशिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर फ्रांस. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती है इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के मध्य. आप यहां देख सकते हो द 2024 एडिशन ऑफ इंडो फ्रेंच बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण हेल्ड इन द मेडिटेरेनियन सी फ्रॉम 2 to 4 September इन्वॉल्विंग एडवांस्ड टैक्टिकल एक्सरसाइजेस. सो द इंडियन नेवीज P-81 एयरक्राफ्ट लैंडेड एट एयरबेस 125 एस्ट्रेस लेट्यूब इन फ्रांस फॉर इट्स फर्स्ट एवर यूरोपियन डिप्लॉयमेंट. सो दिस वॉज फॉर द 22nd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वरुण विद द फ्रेंच नेवी एंड द लास्ट टाइम एन इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट फ्लू इन फ्रांस वॉज 63 years अगो वेन द एलिस एयरक्राफ्ट फ्रॉम INS विक्रांत ऑपरेटेड एट हैरिस एयरवेज. So the India-France naval exercise began in 1993 and was named Varun in 2001 and reflects a strong strategic partnership between the two countries. तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष आयोजित होने वाला ये 22nd एडिशन रहा है एक्सरसाइज वरुण का और इसका आयोजन किया गया है मेडिटेरेनियन सी में. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.